द्वारा किया गया जो लुटा दी इस बैट के लिए। <laughs> <laughs> तो ऑस्ट्रेलिया तो में और सिडनी का मैच है तो मैंने मैच पहले बुक कर लिया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के वेबसाइट से अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ कब शादी होगी कब जाएंगे सब कुछ पहले बनता है का गुस्सा होना बनता उसके हिसाब से शादी की डेट प्लान हुई उसके हिसाब से पूरा ट्रिप प्लान हुआ और वहाँ हम पहुँच गए और तब तक टेस्ट सीरीज तो इंडिया बुरी तरह हारी थी चार जीरो उस सीरीज़ में भी बुरा हाल ही थे मतलब ऑलमोस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ एग्जिट पे खड़े थे वो मूवी में भी दिखाया था जब क्वीन मिलने आती है टीम को तो वो कहती है गवास्कर को तो मैं आई नो आई हैव हर्ड योर नेम हाँ वो तो यार सेवनटी वन में उन्होंने उस टाइम पे इंडिया वेस्ट इंडीज़ में जीती थी इंडिया इंग्लैंड में जीती थी अजीत वाडेकर की कैप्टनसी में तो स्टार बैटर कौन थे आखिर मूवी में भी देखा होगा स्टार्टिंग में वो बात कर रहे हैं जो वो सरदार जी देखने जाते हैं मैच और वो कह रहे हैं कि यार इतनी त बेजती ना कराओ इन्ना तो ना हारो वो सब एंड ऑल दैट तो दैट एक्चुअली हैपेंड तो इट वॉज दैट बैड तो वैन फर्स्ट मैच हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़ वर लाइक प्रटी मच इन फेवर ऑफ वेस्ट इंडीज़ आई थिंक द ट्रिगर पॉइंट वॉज रशपाल शर्माज एटी नाइन उन्होंने वो एटी नाइन स्कोर करके इंडिया को अच्छा स्कोर दिया उस मैच में हेलो एवरी वन वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर प्रजेंट्स फर्स्ट एम्पायर क्योंकि अभी हमारे पास कोई स्पॉन्सर है नहीं तो वी विल गो विथ फर्स्ट एम्पायर एज अ स्पॉन्सर फॉर आर चैनल आज हमारे यहाँ दो गेस्ट हैं एक तो ऑब्वियसली ए बी क्रिकेट इन्फो के बड़े भाई दीपक गोयल सर तो हो जाओगे भाई है दोनों फेमस हैं ऐसे पसीनों में तरबतर होकर क्रिकेट पर बात करने के लिए एक थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव हैं एक थोड़े कम और दूसरे हमारे गेस्ट हैं सचिन तेंदुलकर द्वारा साइन किया गया बैट जो कि आप देख सकते हो मेरे पीछे दीपक सर ने अपनी पूरी जायदाद लुटा दी सिर्फ इस बैट के लिए <laughs> <laughs> कब से कह रहे थे सर कि ये बैट यार हमारे लगना चाहिए फ्रेम में कहीं ना कहीं तो मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि इस पर बाद में ज़ूम करके जब एडिट होगा ना

और मतलब मेरी बीवी वॉज़ लाइक कि जब कोई पूछ रहा दीपक है दीपक कहाँ है वहाँ नहीं है वहाँ नहीं है वहाँ नहीं है एंड शी वॉज लाइक कि मेरा थर्टीनथ को आई थिंक सिक्सटीथ वॉज द लास्ट डेट जिस नो खेले सचिन और थर्टीथ के अराउंड प्लान बन रहा है और मैं कहा नहीं नहीं यार फंक्शन है घर पर नहीं तो माई वाइफ वॉज लाइक नहीं यार सारी ज़िंदगी मुझे रिग्रेट होगा इफ यू hmm. वोट के गो तो लाइक ऐसी बीवी सबको मिले और क्या तो मैं तो अगली बस बात डिस्कस भी नहीं की और एकदम उड़ के पहुँच गया वहाँ पर और कहीं ना कहीं आप यह समझ लो ना कि मिसेस गोयल ने भी कहा होगा कि फाइनली छुटकारा मिल रहा है एक सोतन से तो <laughs> 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 कर लो अपना जाओ लास्ट टाइम <laughs> <देखा। laughs> एक फाइनल देना <laughs> इसके बाद बात नहीं होनी चाहिए अरे सीरियसली यार सिडनी में मैच दिखाने ले गया था तेंदुलगुर उसमें रनआउट हो गए ब्रेटली आ गया आगे कोलाइड करके रनआउट हो गए वो बहुत गंदा था बहुत गंदा था वो मैच मैंने देखा है लाइव और मतलब बड़ा खतरनाक तो वो गुस्सा आया था ब्रैटली ना बहुत ज्यादा कि एक तो वो थे भी उस टाइम पे वो जो ऑस्ट्रेलिया थी ना वैसे भी बड़ा गुस्सा आता था यार वो पता है उस टूर्नामेंट की क्या कहानी थी उस टूर्नामेंट में ये सीन था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीती 2011 में ठीक है एक्सपेक्टेड था कि और, और, और ना हंसी चल रहे थे ना पॉन्टिंग चल रहे थे दोनों बहुत पुअर सीरीज गई थी ऑलमोस्ट लोग कह रहे थे इनको रिटायर ही कर देंगे तो मैंने कहा यार ये तो इंडिया के पास गोल्डन चांस है पक्का बॉर्डर गवास हमारी है इस बार और इंडिया काफी अच्छी टीम थी उस टाइम मतलब आ, दो खत्म होने वाले थे राहुल द्राविड इंग्लैंड का चार हंड्रेड करके इतनी अच्छी फॉर्म में तेंदुलकर लक्ष्मण हमेशा ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करते ही हैं तो मैंने अभी मेरी शादी की डेट भी फाइनल नहीं हुई थी मैंने पहले प्लान कर लिया था कि भाई हनुमन तो ऑस्ट्रेलिया में और सिडनी का मैच है तो मैंने मैच पहले बुक कर लिया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के वेबसाइट से अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ कब शादी होगी कब जाएंगे सब कुछ पहले बनता है। बनता है मिसेस गोयल का गुस्सा होना उसके उसके हिसाब हिसाब से से शादी की डेट हुई उसके से ट्रिप प्लान हुआ और वहां हम पहुंच गए और तब तक टेस्ट सीरीज तो इंडिया बुरी तरह हारी थी चार जीरो उस सीरीज में भी बुरे हाल ही थे मतलब ऑलमोस्ट ऑन द दर्ड्स ऑफ एग्जिट पर खड़े थे और वैसे ही काफी डिसअपॉइंटेड था उस मैच में जो इंडिया ने किया आई थिंक इंडिया ऑलमोस्ट और रन से हारी थी वो मैच अस्सी नब्बे रन से हारी थी वो मैच और धोनी भाई हमारे 49 बॉल 14 रन मारे थे टुक कर कर के कर कर के बस देख मेरी वाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस ही वैसे ये क्या चल रहा है क्या है और उसे अगले मैच में विराट कोहली ने 84 85 बॉल्स में 130 समथिंग मारे थे जो होबार्ट की इनिंग्स mm -hmm. उसे जस्ट अगला मैच बाय दैट टाइम वी हैड गॉन टू न्यूजीलैंड तो हमने तो न्यूजीलैंड में होटल में बैठ के वो मैच देखा था मुझे याद है तो बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस डिफरेंट एक्सपीरियंस तो होगा ही होगा hmm. मतलब डिफरेंट केस भी बोलूँगा मैं कहीं ना कहीं क्योंकि मतलब शादी की डेट सीरीज की डेट के हिसाब से प्लान हो रही है <laughs> ये क्रिकेटर्स के बाद आपका केस देख रहा हूँ मैं सीरियसली सपोर्टिव एवरी वन वज लाइक कि चलो विंडो भी एक्चुअली नॉर्थ में आपको पता है कि फेवरी निकलती है शादियों hmm. के लिए तो वो टाइमिंग भी परफेक्ट हो गई तो वॉज लाइक like कि बस चलो चलो <laughs>

एट्टी थ्री में मेरे को लगता है कि काफ़ी लोगों ने वैसे मूवी देखी है जो मेरे को लग रहा है जो हमारे व्यूवर्स होंगे उन्होंने तो देखी होगी मैं बता देता हूँ सर ने तो कम से कम तीन या चार बार जाके थिएटर में देखी है और हर बार थेटर थेटर जाके में तो तीन बार तीन बार देखी है और तीनों बार सर थिएटर में रो के आए हैं वो तो है घर पे तो पता नहीं कितनी बार ठीक है घर पे भी रोए हैं घर पे भी बहुत बार रोए थिएटर में भी बहुत थिएटर में तीनों बार रोए हैं और वहाँ जो प्रेस मोनोलॉग नहीं आता वो नाइन वन सेवेंटी फाइव की इनिंग्स से बाद वो तो पता नहीं रिप, रिपीट पे लगा लगा के भी रोया हूँ कि यार मतलब ऐसा भी हो सकता है तो करते हैं हम फिर एटी थ्री पे शुरू करते हैं मूवी के बारे में बाद में बात करेंगे पहले हम एक्चुअल जो नाइनटीन एटी थ्री जो वर्ल्ड कप जीत वैसे एटी थ्री मूवी का तो आई थिंक यू वर ऑल्सो लिंक टू इट राइट आपने एन लॉन्च किया था ना उसका ऑफिशियल एन एफ लॉन्च बहुत कुछ करा था सर हाँ तो सर ने 1983 के ऊपर जो मूवी बनी थी 83 आ, उसका ऑफिशियल एन एफ लॉन्च भी सर कर चुके हैं बहुत कुछ कर बड़े ना, लोग ना, हैं थोड़ा शोक कम करते हैं ना एटी 83 वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं कहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले मैच से या उससे पहले जो वर्ल्ड कप से पहले क्या चल रहा था काफी कुछ हो रहा था बिकॉज ट्वेंटी मार्च 1983 को एक मैच हुआ था गयाना में mm. uh, जहाँ पे इंडिया अभी अपना सेमीफाइनल्स भी खेल के आई है गयाना में ग्राउंड वो नहीं था ग्राउंड वाज डिफरेंट अब वो ग्राउंड ऑलमोस्ट रिटायर कर दिया गया अब इतने मैचेस वहाँ पे नहीं होते हैं काफ़ी सालों से नहीं हुए हैं तो वहाँ इंडिया ने 47 ओवर्स में 282 स्कोर किया था Ooh. और गावस्कर जी ने नाइनटी स्कोर किया था हंड्रेड बॉल्स में एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कपिल देव ही स्कोर्ड फिफ्टी ट्वेंटी टू बॉल्स इट वॉज द फास्टेस्ट फिफ्टी इन इंडियन क्रिकेट सिंस लॉन्ग फिर बाद में जाके अजहरुद्दीन ने उसे 88 में तोड़ा था फिर बाद में उसे बराबर किया था अजीत अगरकर ने जब उन्होंने जिम्बावे के इक्कीस बॉल में पचास मारे थे तो बाईस बॉल पचास उस एरा में बहुत अनहर्ड ऑफ चीज़ें थी तो उसके बाद आई थी उन्होंने थर्टी बॉल सेवेंटी ऐसा कुछ स्कोर किया था मास्टरफुल इनिंग्स वहाँ उस इनिंग्स के बदौलत वेस्ट इंडीज़ से पहली बार इंडिया ओ में जीता था 27 रन से वेस्ट इंडीज़ टू ही कर पाई थी चेस करते हुए एंड दे व ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ साइड सिर्फ जॉल गार्नर नहीं खेल रहे थे बाकी सारी टीम उनकी थी तो वहाँ से इंडिया को कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ हम शायद बड़ी टीम को भी डिसलॉज ये फर्स्ट विन थी इंडिया की वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ओके okay. एरा में इंडिया कहाँ जीतती थी यार किसी से आई थिंक जो हंड्रेड uh, आया था वन सेवेंटी फाइव इंडिया का फोर्टी फिफ्थ वनडे मैच था तो उस टाइम तो बहुत रेयर वनडे मैचेस होते थे इतना कहाँ होता था अब तो फोर्टी फोर्टी वनडे मैचेस एक एक सीजन में हो जाते हैं तो उतना नहीं था तो इनफैक्ट uh, कोई हंड्रेड भी नहीं थी इंडिया की तब तक तो पहली हंड्रेड वन सेवनटी फाइव थी वो इंडिया की ओडीआई की पहली हंड्रेड है ये शायद ऐसा फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते होंगे ओडिया हंड्रेड और उसी वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कपिल देव ने फाइव विकेट हॉल लिया था वो इंडिया का फर्स्ट फाइव विकेट हॉल था Okay. उससे पहले ओडीआई क्रिकेट में इंडियन बॉलर ने कभी फाइव विकेट हॉल नहीं लिया था और उस 175 से पहले किसी इंडियन ने ओडीआई क्रिकेट में हंड्रेड स्कोर नहीं किया था या वर्ल्ड कप स्पेसिफिक बोर्ड ओडिया फिफ्थ ओडिया जिम्बावे वर्सेस इंडिया जिसमें इनिंग्स आई थी फर्स्ट हंड्रेड एवर स्कोर बाय हम इतने बुरे थे मतलब उस वर्ल्ड कप में जाने से पहले हमने सिर्फ एक नाइनटीन सेवेंटी में ईस्ट अफ्रीका को हराया था और ईस्ट अफ्रीका नाम कोई को कंट्री भी एग्जिस्ट नहीं करता है इट्स लाइक यू कैन जैसे वेस्ट इंडीज इज अ ऑफ ऑफ ग्रुप कंट्रीज वैसा सा ईस्ट अफ्रीका का सीन था उसको इंडिया ने हराया था उसमें फारूक इंजीनियर मैन ऑफ द मैच बने थे मूवी में भी वो बात करते हैं इसे hmm. तो दैट वॉज इट उसमें भी मदन लाल ने आई थिंक थ्री विकेट्स ली थी इतना रिमेंबर तो फाइव विकेट हॉल कभी नहीं हुआ था इंडिया का फर्स्ट तो उस सीरीज में जब हम वर्ल्ड कप में गए तो एक्सपेक्टेशन वर लिटिल बिल्डिंग अप बिकॉज ऑफ दैट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज की हमने हराया है बट प्रैक्टिस मैच में पहले चार प्रैक्टिस मैच में तीन में हम हारे थे और वो भी काउंटी टीम्स में नहीं इवन यूनिवर्सिटी लेवल की टीम से ओके मतलब माइनर काउंटी टीम से हम हार रहे थे तो अखने मूवी में भी देखा होगा स्टार्टिंग में वो बात कर रहे हैं जो वो सरदार जी देखने जाते हैं मैच और वो कह रहे हैं कि यार इन तबेती ना कराओ इन्ना तो, तो ना हारो वो सब एंड ऑल दैट तो दैट एक्चुअली हैपेंड तो इट वॉज दैट बैड तो वैन फर्स्ट मैच हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़ वर लाइक प्रिटी मच इन फेवर ऑफ वेस्ट इंडीज़ आई थिंक द ट्रिगर पॉइंट वॉज रशपाल शर्मा एटी नाइन उन्होंने वो एटी नाइन स्कोर करके इंडिया को अच्छा स्कोर दिया उस मैच में और इंडिया वो मैच थर्टी फोर रन से जीता था दो दिन में मैच हुआ था नाइन्थ जून को था ओल्ड ट्राफेड में मैच तो ओल्ड ट्राफेड अगेन इज एन इंपॉर्टेंट ग्राउंड वहां पर इंडिया का सेमीज़ भी हुआ था सेमीफाइनल पर बारिश आने के कारण वो मैच अगले दिन कॉन्टिन्यू हुआ था और इंडिया वेस्ट इंडीज़ से जीता चौंतीस रन से उसके बाद जिम्बावे से अगला मैच जीता एंड देन वी सारे बिलीविंग की शायद कुछ हो सकता है बट एज़ वी हैव सीन विद इंडियन टीम्स ऑल ओवर द ईयर्स कि वो थोड़े कम्पलेसेंट होने शुरू हो जाते हैं फिर वो डिसिप्लिन हिलना शुरू हो जाता है और hmm. उसके बाद वी गॉट सम सीरियस ड्रबिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया तो हमें रौंदा था मतलब 320 रन स्कोर के उस एरा में 320 बहुत बड़ा टोटल था और इंडिया रफली 160 रनों से हारा था ट्रेंड ट्रेंडब्रिज में मैच बुरी तरह हारे थे ट्रेंड ट्रेंडब्रिज में हम ऑलमोस्ट 160 रनों से हारे थे और उसमें जबकि कपिल देव ने फाइव विकेट हॉल लिया था पर ग्रेक चैपल जो बाद में इंडिया के कोच भी बने इसकोड ब्रिलियंट हंड्रेड वहाँ पर और इंडिया वॉज क्लूलेस मतलब दे वर प्लेइंग लाइक क्लब टीम हो क्या रहा था ना प्रॉब्लम क्या थी इस वर्ल्ड कप में टर्न अराउंड पीरियड बहुत छोटा था नौ को पहला मैच नहीं खत्म हुआ दस को हुआ फिर ग्यारह को मैच फिर तेरह को मैच पंद्रह को मैच इस तरह से मैचेस थे अब ये देखिए नौ को शुरू होकर वर्ल्ड कप पच्चीस को तो फाइनल ही हो गया था तो पंद्रह सोलह दिन में अब आप सोचे पैंतालीस दिन का पूरा वर्ल्ड कप होता है ओडिया तो इतने छोटे टाइम का मतलब कि टर्न अराउंड पीरियड वॉज वेरी स्मॉल तो आप ज्यादा अपने बेसिक से हट नहीं सकते हैं तो ये प्रॉब्लम था आफ्टर दैट इंडियन टीम जब उससे अगले मैच में वेस्ट इंडीज से हारी और वेस्टीज जब पिछला मैच हार के आ रही थी इंडिया से तो वो आग बबूले थे वो फर्स्ट एवर मैच था वर्ल्ड कप हिस्ट्री में जो वेस्ट इंडीज से कभी हारा था सेवनटी okay. फाइव और सेवनटी नाइन कैंपियंस में देवर अनबीटन एक भी मैच नहीं कभी हारे okay. तो उनकी वर्ल्ड कप हिस्ट्री का पहला डिफीट था सो so, अभी जैसे जो रिकॉर्ड बना कि इंडिया अभी वर्ल्ड कप जीती है विदाउट लूजिंग अ मैच वो सिर्फ के लिए है।

थोड़ा सा जो हमारे विव रिचर्ड्स हैं वो नाराज थे कि उन्होंने पिछले मैच में बिनी रॉजर्स को पीछे कैच दे आउट हुए थे उन्होंने आके बहुत ब्रिलियंट हंड्रेड किया था इंडिया के अगेंस्ट और बॉलिंग के टाइम पे तो देवर ब्रीदिंग फायर अगर याद हो तो के... के बॉल भी लगी थी विलकम मार्शल के यानी वो उनका पूरा वर्ल्ड कप खत्म हो गया था वहीं पे ही वाज इंजर्ड एंड ही वाज टेकन आउट ऑफ द वर्ल्ड कप बाय दैट बाउंसर वो कितनी कितनी डेडली थी वो जो एक हिसाब लगाओ जो रिकॉर्डेड डेटा है उनके हिसाब से फास्टेस्ट बॉल बाय माइकल होल्डिंग वाज 99 99 नाइन्टी माइल्स पर आर जो एंडी रॉबर्ट्स थे उनके 97 माइल्स पर आवर हाईएस्ट फास्टेस्ट क्लॉक है 97 माइल्स पर आवर मतलब और लोग कहते हैं कि uh, खेलने में मेलकम मानसन इनसे ज़्यादा फास्ट लगते थे तो <laughs> आप जज कर सकते हैं कि वट बी बिकॉज मार्शल थे वो थोड़ी छोटे हाइट के थे और स्किडी बॉलर थे तो सबसे स्किलफुल बॉलर आज तक के इंटरनेशनल क्रिकेट के माने गए हैं वो मतलब एट पार विद विबडी लाइक आई वुड से वसीम अक्रम और डेल स्टेन मतलब ये वो बॉलर थे जिनको मतलब पूरे पूरे लाइफ टाइम में छक्के नहीं बजे हुए थे ये वो थे इन स्विंग आउट स्विंग बाउंसर सीम मूवमेंट हर कुछ था उनके पास मतलब uh, मतलब ही वॉज अ स्कीडी बॉलर डेफिनेटली अ वेरी स्किडी बॉलर और मतलब रन yeah. करते हुए वो आते थे और वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही डाइड वेरी अर्ली वेलकम मार्शन डाइड एट द एज ऑफ फोर्टी समथिंग फॉर ड्यू टू कैंसर तो uh, मतलब ऑब्वियसली नब्बे माइल पचानबे माइल की बॉल मुँह पे खाना <laughs> तो मतलब आपका गेम सब कुछ आप सब हिला देता है आपका मतलब इज लकी की ही सरवाइव दैट और uh, वहाँ से आई थिंक इंडिया का मैच मोराली आपने काफ़ी तोड़ दिया बिकॉज टर्न ऑन पीरियड इतना छोटा है ना एक एक दो दो दिन के बाद तो आपका मैच का एक दिन का रेस्ट है फिर मैच है उसमें ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्ड है प्रैक्टिस भी इन्वॉल्ड है तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम्स का आगे इतना बुरा हारते हैं तो अब इतने स्का्ड हो जाते हैं कि वहाँ से वापस आना इतना ईजी नहीं होता तो जब जिम्बावे के साथ मैच था उस दिन बीबीसी की जो कहते हैं स्ट्राइक थी स्ट्राइक से ज़्यादा बड़ी बात क्या थी कि पैलली और मैचेस भी हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ भी हो रहा था तो वो बड़े मैचेस थे ज़्यादा बड़े मैचेस थे जिनको बीबीसी वांटेड टू कवर उनको था कि इंडिया तो वैसे ही थकी हुई टीम है ज़्यादा कुछ है नहीं है हार भी गए हैं पता नहीं अब रहेंगे नहीं रहेंगे आगे टूर्नामेंट में तो इसलिए उस मैच को कवर करने कोई ज़्यादा नहीं आया कोई आया ही नहीं इनफैक्ट दैट्स बाय हमारे पास वो ब्रिलियंट इनिंग्स की कोई विजुअल्स ही नहीं है तो बट उन्हीं का लॉस है जो नहीं कर पाए रिकॉर्डली डेफिनेटली टर्नब्रिज में था मैच वो इतना फेमस ग्राउंड नहीं है छोटा ग्राउंड है रिलेटिवली इतना छोटा भी नहीं मैं कहूँगा मतलब इन टर्म्स ऑफ द स्टेडियम साइज अगर बोलें तो वहाँ पे इंडिया स्टार्टेड ऑन अ वेरी लो मोरल और सेवनटीन पे पांच उड़ गए थे जब हमारे कपिल देव भाई साहब को भेजा गया और वो इनिंग्स की इम्पोर्टेंस आप सोचिए कि अगर मैं उस इनिंग्स के पैल इंडियन क्रिकेट में कुछ और याद से लेके आ सकता हूँ तो सिर्फ एक वो लक्ष्मण और राविड की पार्टनरशिप याद आती है मतलब जहाँ लग रहा था कि इंडियन क्रिकेट खत्म है मतलब अब इसके बाद इट बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि वो ना एरा ऐसा था आपने अभी चंदू चैंपियन मूवी आई है अगर वो देखी हो कि उस टाइम बजट्स बहुत कम थे वी वर वे वे अ वेरी स्ट्रगलिंग इकॉनमी फिर आप 83, 84 के एरा को आप अच्छे से जानते हो कि वो रिलीजियस टर्बुलेंस वाला एरा था जहाँ पे दंगे बड़ा कुछ हो रहा था इकनॉमिकली सोशली रिलीजियस फ्रंट्स पर हम हर जगह पर डिसमेंटल्ड थे उस एरा में तो उस एरा में आई थिंक एक अगला वर्ल्ड कप कभी दोबारा

क्या हरकतें होती थी क्या मतलब अजहर मूवी में क्या सच्चाई थी क्या नहीं थी डेफिनेटी nee, उसके उसके, बारे, उसके उसके बारे में लग से हम करेंगे मैंने बहुत क्लोजली देखा बिकॉज आई वॉज प्रोफेशनल क्रिकेटर एट दैट टाइम आई वॉज पार्ट ऑफ आई प्लेड फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स एट दैट टाइम जब मैच फिक्सिंग आया तो वन रीजन इज माई क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्टड बिकॉज ऑफ माई मदर शी शी वॉज एन आर्डेंट क्रिकेट फॉलोअर मतलब बचपन से मैच फिक्सिंग के बाद से लेके आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में मैच नहीं देखा इट्स बिन ट्वेंटी फोर ईयर्स हैज़ नॉट सीन अ सिंगल क्रिकेट बॉल क्योंकि वो भरोसा टूट गया भरोसा टूट गया वो दो हज़ार में वो इतने ज्यादा डिसअपॉइंट हुए क्रिकेट उन्होंने देखना छोड़ दिया मतलब बिल्कुल नहीं देखा दैट इज़ वन रीजन ऑल्सो काइंड ऑफ आई वुड से मेरी क्रिकेटिंग जर्नी को भी बहुत अगला झटका लगा तो उसमें भी आएंगे वापस तो वो वन सेवेंटी फाइव ऑन दैट विकेट जहाँ बॉल मूव कर रही है और अच्छे बॉलर थे जिम्बावे के जम्बावे के जो बॉलर अगर आपने मूवी देखी हो जिनको कपिल देव आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारते जो कहते हैं यूरोप ब्लागर स्लेच कर रहे होते हैं करण करके वो बॉलर थे अगर आपको याद हो वो है? या के के फादर। 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 है तो ही प्लेड फॉर जिम्बाब्वे देन ही माइग्रेटेड टू इंग्लैंड एंड दैट इज हाउ सैम करण एंड टॉम वैसे उनकी नेशनलिटी तो इंग्लैंड ही हो रही होगी ना एक एक पेरेंट इंग्लैंड थे तो जिम्बावे इंग्लैंड का तो सर चलता ही है ना सर मेरे तो को नहीं पता था कि मतलब अच्छा करण लोग भी यहीं से आए हैं हाँ हा, है तो है, हाँ तो काफ़ी है यार अब आप, आपको ग्राम हेक तो पता ही होगा अगर अपने बचपन का याद हो ग्राम हेक प्लेयर थे बहुत अच्छे इंग्लैंड के वो पहले जिम्बावे के लिए भी खेले हैं ओके okay. ऐसे अब अगर आपको मेरे को जो याद है ना मेरे को याद है कि जो मैंने जिम्बावे को पहली बार देखा था खेलते हुए तो उसमें हेड स्ट्रीक होते थे आई गेस कैप्टन हूँ है ना टैबूस जो टैबू थे वो तब नए नए आए थे जो विकेट कीपर थे है है। और जो मेन दो प्लेयर होते थे वो दो भाई एंडी फ्लावर ग्रैंड फ्लावर है ना इनका मेरे को याद है कि ये 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 जब आते थे जैसे एंडी फ्लावर जब आते थे तो पता था कि ये गेम हिला सकते मैं और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ ये वर्ल्ड कप के बारे में जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी जिसमें फाइव विकेट हॉल की बात जब ऑस्ट्रेलिया तीन मारी थी उसमें फाइव विकेट हॉल लिया था आ, कपिल देव ने वो पहला फाइव विकेट हॉल था इंडिया के लिए फाइव फॉर फोर्टी थ्री उसमें से एक डिसमिसल था एक बहुत फेमस क्रिकेटर का जिनका नाम था कैप्लर वेस्ल्स कौन कैप्लर वेसल्स कैपलर वेसल्स की एक खासियत है कि वो उस ऑस्ट्रेलियन टीम में खेल रहे थे बाद में जब अपार्थाइड के बाद साउथ अफ्रीकन टीम वापस आए तो वो साउथ अफ्रीकन टीम के कैप्टन थे ओके okay. तो ही प्लेड फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड देन साउथ अफ्रीका बेसिकली साउथ अफ्रीकन नेशनल भी थे वो तो हैंसी करवाने से पहले कैप्लर वेस्ल्स काफ़ी देर साउथ अफ्रीका कैप्टन रहे हैं ओके है, okay. तो इनफैक्ट जो हिस्टोरिक इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज थी नाइन्टी टू की तब भी कैप्ला वेसल्स कैप्टन थे ओके okay. तो बड़ा कुछ रहा है ये साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इन सब के आपस में बड़ी क्योंकि ऑब्वियसली वो सब कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं ये सब गेम रही है तो कैन करन uh, जो सैम करन और टॉम करन के फादर थे वो उस मैच को खेल रहे थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छी ओपनिंग विकेट्स ली थी पांच विकेट्स में आई थिंक दो या तीन विकेट्स उन्हीं की थी स्टार्टिंग में और फिर कपिल देव ने बहुत धोया था उनको और बैटिंग में भी करण ने काफ़ी अच्छा किया था तो आ, कपिल देव के साथ कौन आ, जो पार्टनरशिप में कौन था आई थिंक सबसे पहले जितना मुझे याद है मदन लाल बैटेड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद मदन लाल आउट हुए थे आई थिंक रवि शास्त्री भी ज़्यादा देर नहीं चले थे फिर आ, नहीं मदन लाल से पहले आई completely... ये चेक करना पड़ेगा है हाँ हाँ, ना हाँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है तो कि तो किसी तो तो ने तो सपोर्ट किया था मदन लाल के साथ वन फोर्टी फोर एट हुआ था उसके बाद फिर सैयद करमानी और कपिल देव की इनिंग्स रही थी सिक्स की पार्टनरशिप इंडिया टू तक पहुंचा था तो मदन लाल के साथ भी थी मदन लाल से पहले मुझे समय याद नहीं आ रहा जब रवि शास्त्री आउट हुए थे तो उससे कमेंट एक... सेक्शन में लोग बता देंगे सर हाँ। आपको कर देंगे करेक्ट तो आगे चलते हैं।, हैं तो uh, मदन लाल पेड ए वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग्स उसमें uh, काफ़ी अच्छा जब इनफैक्ट uh, वो बैटिंग करने जाते हैं तो अगर आपको मूवी याद हो तो, तो अपनी वाइफ को बोलते हुए अगर तुम लोग चाहते हो तो होटल वापस जा सकते हैं कोई कहीं नहीं जाएगा देनी वेंट इन एंड एन प्लेड रियली वेल वैसा रहा था उसके बाद और देन किरमानी ने तो पूरा एक एंडी रोक के रख दिया था मतलब 175 उस टाइम का बैटिंग रिकॉर्ड भी था दैट वॉज द वर्ल्ड रिकॉर्ड वो तो आई थिंक मूवी में बहुत अच्छा दिखाया उससे पहले वन सेवेंटी वन नॉट आउट था वो भी वर्ल्ड कप के टाइम नहीं आया था नाइटी सेवन फाइव के वर्ल्ड के टाइम एंड वहाँ से ऑफिस थे द गेम चेंज्ड बिग टाइम सेम हाल हुआ था उस विकेट पर इवन जिम्बावे बैटिंग के टाइम पर भी कोलैप्स करी थी और mm. फिर उनका भी लोअर ऑर्डर ने थोड़ा रिसर्जेंस दिखाया था बट मैच फिर इंडिया कम्फर्टेबली जीत गई थी mm. और उसके बाद फिर अगला ऑस्ट्रेलिया मैच में तो इंडिया वर् हाई ऑन कॉन्फिडेंस डिड वेल

आज तक आई थिंक वनडे क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं हुआ कि टू से ऊपर स्कोर गया हो और उसमें किसी भी बैट्समैन ने फोर्टी या फोर्टी सेल्ड रिकॉर्ड है, है। okay. तो, मतलब पूरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया था दैट मीनस कोई सिंगल एंड आउट नहीं था उस इनिंग्स में और बॉलिंग में मदन लाल ने चार विकेट्स लिए थे और रॉजर बेनीस ने भी चार विकेट्स लिए थे hmm. तो रॉजर बेनी वॉज द मैन ऑफ द मैच फॉर द इम्पोर्ट विकेट तो वहां से फिर थोड़ा थोड़ी गर्म हो गई थी इंजन गर्म हो गया था इंजन गर्म हो गया था कि कुछ कर सकते हैं कॉन्फिडेंस उठा ओल्ड ट्राफेड में जाने से पहले भी इंडिया की थोड़ी हिस्ट्री थी क्योंकि तो इंडिया इंग्लैंड में इंग्लैंड के साथ पांच ओडियाइस खेल चुकी थी उससे पहले और पांचों हारी थी ठीक है तो इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड में इंडिया को कुछ ज्यादा चांसेस दे नहीं रहा था तो ओल्ड ट्राफेड में एक एडवांटेज थे कि इंडिया ने वेस्ट इंडीज को भी ओल्ड ट्राफेड में ही हराया था तो वो विकेट का थोड़ा इंडिया को आइडिया था कि थोड़ी मतलब वहाँ पे मिडल ओवर्स में गेम कैसे चलाई जा सकती है तो इंग्लैंड ने ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी की पर मिडल ओवर्स में जब करसन खाबरी आए, आए, आए और सही कीर्ति आज़ाद आए करसन खाबरी कीर्ति आज़ाद आए और हमारे मोहिंदर अमरनाथ आए तो उन्होंने बिल्कुल तेईस चौबीस ओवर मैच बांध दिया ठीक है उसमें बिल्कुल ही रन नहीं आने दिए और आयन बथम की विकेट आई बहुत ज़्यादा स्ट्राइफल फॉर रन कर दिया और बिलो पार टू हंड्रेड पे ही इंग्लैंड सिमट गई और टू आप ऑलमोस्ट साढ़े तीन की एवरेज उतनी भी विकेट में हेल्प नहीं और ये साठ ओवर का था ना मैच साठ ओवर का मैच होता तभी साढ़े तीन की एवरेज तो इट वाज स्टिल अस मैनेजेबल थिंग ओपनर्स आल्सो डिड वेल फिर ओपनर्स दोनों साथ में आउट हो गए थे गावस्कर और श्रीकांत उसके बाद आके मोहिंदर अमरनाथ और यशपाल शर्मा ने अच्छी पार्टनरशिप की मोहिंदर अमरनाथ थोड़े अनफॉर्चुनेटली रनआउट हो गए थे फिर उसके बाद जो संदीप पाटिल ने आके धुआंधार बल्लेबाजी की स्कोर्ड फिफ्टी वन रन नॉट आउट ऑफ थर्टी टू बॉल्स ओके ये 2007 तक इंडिया का वर्ल्ड कप हिस्ट्री में फास्टेस्ट फिफ्टी था okay. इसको सचिन तेंदुलकर ने बर्मोडा वाले मैच में तोड़ा था जब उन्होंने ट्वेंटी में हंड्रेड फिफ्टी किया था टू थाउजेंड सेवन वर्ल्ड कप हम ज्यादा जानते ही नहीं हैं बिकॉज इंडिया बांग्लादेश से हार गया था मत, मत फिर बमुडा वाले मैच में सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि जो uh, रॉबिन उत्था का, का कैच हुआ था पीछे hmm. जो वो डाइव करके बर्मोडा के एक प्यारे से प्लेयर ने कैच किया था अगर आपको याद हो लेवलॉक <laughs> मेरी तरफ तो मत देखना <laughs> तो उसी मैच में सचिन ने 26 बॉल में 50 मारा था दैट इज द फास्टेस्ट फिफ्टी और वो मतलब उससे पहले 83 की ये सेमीफाइनल की 50 थी फास्टेस्ट चौबीस साल वो रिकॉर्ड मेंटेन रहा तो इतना hmm. बड़ी वो इनिंग्स थी 32 बॉल्स में 51 तो उसके बाद फाइनल्स में तो ऑब्वियसली वी न्यू की वेस्ट इंडीज़ है और फाइनल में प्रॉब्लम आप उस एरा को सोचिए कि उस एरा में जो कहानी थी वो इतनी ज्यादा रेसिज्म बेस्ड थी कि जो प्रूडेंस था जो आ, उस वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर था उन्होंने ये कहा था कि अगर एक नॉन वाइट कंट्री को ट्रॉफी जाएगी तो हम स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे सीरियसली यस दे इवन चैलेंज टू विद्रॉ द स्पॉन्सरशिप फॉर द फाइनल्स इसीलिए जो इंडिया प्रोविडेंस जो इंडिया जीता था प्रोविडेंस आई थिंक प्रोविडेंस कप जीता था फाइनल्स में उसकी ट्रॉफी इंडिया नहीं गई थी उसकी ट्रॉफी सिर्फ इंडिया में एक uh, वो जो बॉम्बे में बस ट्रिप हुआ था सिर्फ उसके लिए गई थी ओके वेंट बैक टू लॉर्ड्स अभी वो लॉर्ड्स के म्यूजियम में पड़ी है ओरिजिनल ट्रॉफी इंडिया के पास जो ट्रॉफी है वो रेप्लिका है सीरियसली यस इंडिया इज नॉट द ओरिजिनल वर्ल्ड कप ट्रॉफी बिकॉज ये प्रोविडेंस जो उस टाइम के थे उन्होंने क्लियर कंडीशन रखी थी बिकॉज फाइनल्स दो नॉन वाइट कंट्रीज़ में थी तो उनको था कि वेस्ट इंडीज़ भी नहीं जाएगा यहाँ भी नहीं जाएगा हम अदरवाइज स्पॉन्सरशिप से विद्रॉ कर जाएंगे थिंग्स वर दैट बैड एट दैट टाइम ये ये बहुत स्टोनिश्ड बात है इज द वे एक सी ए से मिला था लास्ट दो तीन साल पहले आप ये बोल रहे हो कि वर्ल्ड कप की जो फाइनल की ट्रॉफी है वो हमारे पास ओरिजिनल नहीं आई है हमारे पास का रेप्लिका है आप नेट पे चेक कर लीजिए आप कहीं पे भी रिसर्च आपको वर्ल्ड कप की की फाइनल जो हम हम जीते हैं ओरिजिनल है। ट्रॉफी है वो अभी भी लॉर्ड्स में पड़ी है वो हमारे पास नहीं है दे वर नेवर अलाउड तभी इंडिया का आपको नहीं लगता ये इनको पॉलिसी इशू करनी चाहिए वैसे ये हुआ क्या उस, उससे तो इंडिया ट्रिगर हुआ इंडिया के जो बी के टॉप ऑफिशियल्स थे उनको मैच टिकट्स तक नहीं मिली थी एटी की उनको Uh, इतने वो चढ़ गए थे उससे उन्होंने उसके माइंड बनाया कि हम एशियन काउंसिल को उठाएंगे प्लान करेंगे और 87 का वर्ल्ड कप हम इंडिया में करवाएंगे ठीक है हुआ क्या दे दे केम बैक टॉक टू आर प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम मिसेज इंदिरा गांधी की देखिए ये हमारे साथ हुआ हम अब एटी का वर्ल्ड कप हैज टू कम टू इंडिया और ऑब्वियसली द वेस्टर्न लॉबी डेंट वॉन्ट इट टू उन्होंने काफी कोशिश की और उस टाइम तो इंडिया के पास फंड्स ही नहीं थे और प्रॉब्लम क्या था कि आपको डॉलर्स देने पड़ते थे तो फॉरेक्स रिजर्व जाते हैं इंडिया के मुझे पता क्या लग रहा है कि जो जो ये गिलक्रेस्ट, ये माइकल वॉन गिलक्रिस्ट लोगों का पॉडकास्ट चलता है जहाँ पे ये लोग बैश करते हैं कि आईसीसी जो है वो टूर्नामेंट इस तरीके से बना रही है कि इंडिया को फेवर किया जाए ये इन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोली है इन्होंने बात आप जाओ इनके पॉडकास्ट में इनकी धज्जियाँ उड़ा के आओ शशि टाइप्स कि सालो तुमने ये क्या करा है तो नहीं नहीं पावर क्यों नहीं बनती चीन ने इनसे कम से कम एटलीस्ट इंडिया अगर अगर इंडिया होल्ड कर रही है आज के टाइम में पावर पहली बात तो अर्न करी है तुमने तो सजा के दी नहीं तुम तो ट्रॉफी भी नहीं दे रहे हो वर्ल्ड कप आप, की आप हमें प्रैक्टिकली सोचो 80s और 90s में क्या होता था 80s और 90s में इंग्लैंड अपने सीजन के स्टार्टिंग में इंडिया के टेस्ट मैचेस रखता था जब कोई देखता भी नहीं और विकेट अजीब सी होती थी कि इंडिया वाले टेस्ट मैच जल्दी निकले बाहर में जाए और ऑस्ट्रेलिया दस दस साल इंडिया को नहीं बुलाती थी अगर आप देखो तो 82 सीरीज़ के बाद हम सीधा 92 सीरीज़ में खेलने गए हैं ऑस्ट्रेलिया बीच में तो कोई टेस्ट सीरीज ही नहीं है हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ और उसके बाद भी 99 में गए हैं 92 सीरीज़ के बाद 99 नाइन और इसीलिए कहीं ना कहीं जब ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सौरव गांगुली की टीम की जो ये बैंटर्स हुई हैं इतनी तगड़ी ये इसीलिए क्योंकि उनको रिसीविंग एंड की आदत नहीं थी यार आप इज अ वेरी फेमस वीडियो ऑन नेट अगर आपको मिले टू सीरीज़ न्यूजीलैंड में हरभजन सिंह का बहुत स्ट्रोंग uh, 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 वो है आर्गूमेंट ऑन द एयरपोर्ट हाँ विद द न्यूजीलैंड ऑफिशियल्स कि वो बहुत गंदा बिहेव कर रहे हैं बिकॉज uh, कि आप आई क्यों हमारी कंट्री अगर यू डोंट वांट टू फॉलो फ्लोरा फ्लोराफोना को लेके वो बहुत रोते हैं कि सैंड के अंदर ये आ सकता है वो आ सकता है जूते वूते बहुत ड्रामे करते थे उस टाइम पे अब तो कुछ है ही नहीं आपने वो नहीं देखा जाकिर खान की एक पॉडकास्ट वीडियो है जिसमें वो बाहर के किसी बंदे के साथ बात कर रहा है तो uh, वो यही बोल रहा था कि यू कैन गो इन पजाम इफ यू आर ट्रेवलिंग इन अ फर्स्ट क्लास टिकट कह रहे क्योंकि इफ यू आर पर्सन ऑफ कलर ठीक है क्योंकि जो एयर होस्टेस है या जो फ्लाइट के लोग हैं या इवन जो आस पास के hmm. लोग हैं अगर आप वाइट नहीं हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप रिच हो यू कैन अफोर्ड फर्स्ट क्लास टिकट अदरवाइज आपको इतनी नीचे नजरों से देखा yes, जाता है ये आज की बात है ये मैं अब, तो पहले क्या हो रहा होगा पंद्रह साल पहले यूरोप में रहा हूँ पंद्रह महीने मतलब 2006 में जर्मनी और उसके बाद स्विट्जरलैंड में एक साल था उस टाइम पे तो अगर मैं अनशेवन ट्रेन में बैठ जाऊँ तो मेरे आसपास की सीटें खाली हो जाती थी दे वर सो अफ्रेड मतलब इतना उनका बिहेवियर अजीब होता था और मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम पर भी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर हमारी कोई मीटिंग्स होती थी अच्छी खासी बिकॉज आई वॉज इन अ गुड जॉब तो वो सिर्फ लमडॉक मिलनर की बात करना चाहते थे और किसी की बात ही नहीं करना चाहते थे तो एरा वॉज वेरी डिफरेंट वी हैव वी शुड बी प्राउड ऑफ आर करंट गवर्नमेंट की हमें उन्होंने वो कहीं ना कहीं वो करके दिखाया है कि वेयर वी आर एबल टू डिक्टेट टर्म्स एंड स्टिल पीपल एबल टू एक्सेप्ट वॉट वी आर रेडी टू लाइक डिश आउट टू दैम ऐसा नहीं था सिनारे उस टाइम पे तो एटी वर्ल्ड कप जब इंडिया जीता फाइनल्स uh, उसके बाद उससे पहली जो एशियन काउंसिल में ये बात होनी शुरू हो, हो गई थी कि एटी का वर्ल्ड कप इंडिया आएगा पैसे ही नहीं थे तो धीरूभाई अंबानी को मनाया कि आप स्पॉन्सर करो 83 में इंदिरा गांधी उन्होंने पर्सनली बोला बट पर देन इंदिरा गांधी वॉज मैसकर्ड 84 फोर में उनकी डेथ हो गई तो जब उसके बाद जो राजीव गांधी आए एज अ पी उस एरा में आ, जो आई थिंक होम मिनिस्टर थे शायद संजय सिंह थे आई डिमेम्बर द नेम उनका इतना अच्छा रेपो नहीं था विद अम्बानीज Hmm. तो काफी सारे कंसर्न हुए थे उस टाइम पे इनकम टैक्स रेट ये वो सब तो दैट्स ऑलमोस्ट अंबानी हम नहीं करेंगे बट तभी फिर उन्होंने फाइनली अग्री किए थे उन्होंने अपना 87 के वर्ल्ड कप का नाम रिलायंस कप रखा था hmm. तो उन्होंने कहा था कि फिर हमारी स्पॉन्सरशिप उन्होंने बहुत ब्रिलियंटली कंडक्ट किया था वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टेड वर्ल्ड कप में से है एक जो चीज है जिसके बारे में बात नहीं हुई है अभी मतलब ठीक है अभी हम फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं ना पहले सेमीफाइनल तो हो गया हमारा कवर सेमीफाइनल में तो यही था मेन तो शर्मा को वो छक्का जो ने कहा था कि अगर मूवी में दिखाते कि मैंने चेन्नई गालियाँ कटियां सी तो कहते तो चेन्नई का बदला यहां पे लेगा ओल्ड अच्छा उस वक्त टीम में एक चीज नोटिस करने वाला था पंजाबी प्लेयर्स कितने ज्यादा थे यार वो एरा ही ऐसा था अगर आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एग्रेसिव स्टेट्स थी या जो कह लो कि फाइनेंशियली रिलेटिवली रिच पार्ट्स थे वो नॉर्थ में पंजाब रीजन और यहाँ बंगाल रीजन ही था hmm. इसलिए आप काफ़ी स्पोर्ट्स में उनकी डोमिनेंस देखते हैं hmm. फुटबॉल में ज्यादा बंगाल्स की तरफ से डोमिनेंस थी अगर आपने अभी मूवी आई है जो मैदान उसमें भी देखा hmm. तो उधर नॉर्थ में ज़्यादा पंजाब का था फिर बाद में स्प्लिट हुआ हरियाणा बना वो सब चीज़ें हुई तो वो फैक्टर था काफ़ी स्पोर्ट्स में तो धीरे धीरे ऑब्वियसली दूसरा spread. तो मुंबई तो था ही मुंबई तो ऑब्वियसली मुंबई तो हमेशा से रहा ही है अभी तो वो तो बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स वहाँ पे क्रिकेट का इतना हुआ तो लीग्स कितने पहले से इतनी बड़ी बड़ी लीग्स होती थी और वहाँ पे तो जो स्कूल लेवल पे जो क्रिकेट फॉलो होती है वहाँ लीग लेवल पे क्रिकेट बहुत बड़ी थी जैसे आईपीएल जैसा है वैसे उनकी लीग्स थी रिलीजन के बेसिस पे लीग थी जहाँ पे मतलब मुस्लिम हिंदू इन सबकी अलग अलग टीम्स होती थी हम फाइनल पे आते हैं फाइनल के बाद एक और जो टॉपिक रह गया हमारा गावस्कर एंड कपिल उस पर हम बाद में आते हैं मेरे को लग रहा है वो पहले करनी चाहिए थी हमें बात पर अब क्योंकि पॉडकास्ट में हम भावनाओं में बह जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस बारे में हम बाद में बात करते हैं।, हैं तो अब आते हैं हम फाइनल फाइनल मैच पे फाइनल मैच से पहले क्या माहौल हो गया था मतलब आफ्टर डिफीटिंग इंग्लैंड उनके घर पे क्या माहौल हो गया था इंडिया माहौल यही था उन्होंने बिल्कुल ग्रीन विकेट दी थी बिल्कुल ग्रीन विकेट मतलब ग्रास ही नहीं काटी थी देवर लाई की कोई बात नहीं वेस्टइंडीज जीत जाए

क्रिकेटिंग जर्नी थी उनकी उस टाइम पे तो दे वर वेरी रिच एंड उनकी इसीलिए परफॉर्मेंस में भी दिखता था। दिखता था था मतलब दे वर वेरी वेल फंडेड फ्रॉम लॉट ऑफ मल्टीपल सोर्सेज स्पॉन्सरशिप्स काफी कुछ था दे वर स्टार्स आप सोचो ना मतलब उस टाइम विव रिचर्ड्स के लिए पूरी बॉलीवुड पागल थी मतलब अलग ही उनका और अलग ही वो था तो दे वर रिच एट दैट टाइम तो एक्सेप्टेंस थी इंडिया वो चाहते नहीं थे तो उन्होंने बिल्कुल ग्रीन विकेट दी थी ये देख के कि एक बार कपिल देव तो ऑलमोस्ट लड़ पड़े थे वाला मतलब इंडियन मैनेजमेंट लाइक्स की क्या है तो आप इतने ज्यादा एक टीम को फेवर कर रहे हैं आपको पता है कि उनकी बॉलिंग नब्बे नब्बे माइल वाले हैं ग्रीन विकेट और इंडिया अंडर पार वन ऑल आउट हुई जिसमें फिर से गावस्कर साहब नहीं चले पूरी सीरीज ही नहीं चले ऑलमोस्ट उनका विराट कोहली जैसा वर्ल्ड कप गया 2024 का एक्सपेक्टेड था कि शायद फाइनल उठे पर नहीं बनी वो बात उनको बीच में वर्ल्ड कप में ड्रॉप भी करा था काफ़ी कंट्रोवर्शियल है कई लोग कहते हैं इंजर्ड थे कई लोग कहते हैं ड्रॉप किया मतलब वो अब अंदर की कहानी मूवी में तो ऐसा दिखाया कि जैसे कि वो इंजर्ड uh, थे बट उस टाइम पे कपिल और उनका काफ़ी लंबा टसल तो चल रहा था उस पर हम बाद में आते हैं डेफिनेटली हम इसी पर स्टिक करते हैं तो 183 किसी में एंगल्स किसी ने सोचा नहीं क्यों रीज़न ये भी था बिकॉज सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने सिमिलर सा टोटल स्कोर किया था और वो आराम से आठ विकेट की विक्ट्री हुई थी वेस्ट इंडीज़ की और हमें पता है कि उस टाइम का पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक मच बेटर बॉलिंग अटैक था दैन इंडिया उसमें इमरान खान काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज बॉलर्स प्रेजेंट थे hmm. तो इसलिए उम्मीद नहीं थी कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप को ज़्यादा कर पाएगी और आई थिंक सर्टन थिंग्स इज अर जस्टिन टू बी लाइक दैट तो मतलब तो जिस तरह से विवरचर्ज उस मैच को लेके भाग रहे थे और होता क्या है अगर आपने 2024 uh, वर्ल्ड कप में गुल uh, बदीन नायब की uh, मार्कस टोनस को बॉल देखी हो तो काफ़ी हद तक वैसा ही हुआ था जो ये रिलेटिवली थोड़े निपी से स्लो पेस बॉलर्स होते हैं सर्टन टाइम्स बिकॉज ऑफ देयरस कंडीशन पिच के कारण ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा बाउंस ले, ले आते हैं।, हैं और होता क्या है बिकॉज आप लाइनअप करके मार रहे होते हैं तो आप इनको फिर एडजस्ट भी नहीं कर पाते hmm. तो मार्केस टॉयनस का भी वो टॉप एज लग के पीछे कीपर पे कैच हुए थे तो सेम ऐसा ही कहानी हमारे विव विव्रिचर साहब के साथ भी हुई कि बॉल उठी थोड़ी सी ज्यादा और टॉप टॉपेज लग के बॉल चढ़ गई और वहां पे फिर जो क्या रनिंग कैच पकड़ा था Uh, हमारे कपिल देव साहब ने वो तो हमने विजुअल्स पिछले चालीस साल में कितनी बार देखे हैं हम शायद यही नहीं सकते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कैचर्स आई थिंक उसको शायद अब स्काई ने बीट किया क्योंकि ऑब्वियसली स्किल वाइज शायद स्काइल का कैश थोड़ा है मुझसे और बड़ा है सोचे हुँ. ना अभी तक वीडियोज आ रहे हैं नेट पे कि कैश था सिक्स था क्या था क्या नहीं मेरे को लगता है कि अगर आज जो फिटनेस के हमारे हैं और जितना ध्यान हम फील्डिंग पे देते हैं और जितने ग्राउंड्स भी कंपैरेटिवली इजियर टू फील्ड है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी भी मेरे को लगता है वो जो कैच था देखो अगर मैं प्योर कोर फिटनेस ऑफ की बात करूं तो जो नेशनल एथलीट्स थे उनकी फिटनेस डेफिनेटली में बेटर थी अच्छा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि साइंटिफिकली इट इज बिन प्रूवन फॉर इवन ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च भी है कि नाइनटीन एटीज ऑनवर्ड्स हैं ऑन एन एवरेज ग्लोबल लेवल पे टेस्टोसर लेवल वन पर्सन पर ईयर से डिक्रीज हो रहा है ओके okay. तो दिस इज द जेनेटिक आई वुड से डिसडवाटेज दैट आर जनरेशन हैज तो ऑबियसली तभी आप देख रहे हैं कि रॉ पेस वो uh, जब बहुत कम लोगों में रहते बिल्कुल सही वो जो एथलीट दिखते थे कि मतलब आप सोचे ना कि जेफ हॉमसन जैसे लोग तो मतलब uh, जंगली सुअर चेस कर कर करके फील्डिंग प्रैक्टिस करते थे <laughs> तो वो जो रॉनेस थी वो ऑबियसली अब नहीं है तो ये है डिफरेंस है तो इसलिए मैं नहीं इसको डिस्काउंट आउट करूंगा वो लोग डेफिनेटली कभी नो बॉल्स नहीं की कभी फिट इंजर्ड नहीं हुए जबकि इतनी ट्रेनिंग इतना कुछ माइक्रो मैनेज करने के लिए लोग भी नहीं थे तो और ऑब्वियसली फूड प्योरिटी बहुत कुछ डिफरेंट था पॉल्यूशन बड़ा कुछ अलग ए रहा था वो तो फाइनल उसके बाद तो बदल गया था आई थिंक वी ऑल नो हैपेंड अमरनाथ अमरनाथ का थ्री विकेट का स्पेल थ्री फोर ट्वेल्व उनके उस पूरे वर्ल्ड कप का बेस्ट स्पेल था सेमीफाइनल फाइनल दोनों में मैन ऑफ द मैच बने उसके बाद वो सेम फीट रिपीट किया अरविंदा डिसलवा ने नाइनटी सिक्स में फिर में शेन वॉन ने और अब हमारे सेट भाई ने hmm. तो इतना रेयर हुआ है ज़्यादा बहुत फ्रीक्वेंटली होने वाली चीज नहीं है ये कि सेमीफाइनल फाइनल में दोनों में मैन ऑफ द मैच एक ही प्लेयर बने और वहां से उनका कद काफी बड़ा हो गया था एज अ प्लेयर एंड क्योंकि उनकी एक लेगेसी भी तो चलती आ रही थी ना उनके ब्रदर भी क्रिकेटर उनके फादर भी क्रिकेटर फादर तो लाला फादर तो लेजेंड तो थे बड़े लेजेंड तो उनके लिए तो वैसे भी मतलब ये चीज़ करना अचीव बहुत बड़ी मतलब और सुरेंद्र अमरनाथ ऐसकर... भी कई एस्पेक्ट्स में कहते हैं कि कुछ एस्पेक्ट्स में महेंद्र अमरनाथ से भी बेटर प्लेयर थे बस हम हाँ। उनको भी कभी उतना चांस नहीं मिला मिला नहीं मतलब बहुत लोग, नहीं। लोग बोलते हैं बहुत लोग बोलते हैं कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहे हैं और फास्ट बॉलिंग के तो महेंद्र अमरनाथ एक्सेप्शनल प्लेयर थे क्योंकि वो डरते ही नहीं थे बॉल खाने से वो सबसे बड़ी चीज़ होती है फियर ही निकल गया फास्ट बॉलिंग का फिर क्या रह गया एग्जैक्टली तो काफ़ी मतलब आई थिंक वो टीम ऐसी थी कि जो 2007 थाउजेंड सेवन टी टीम थी कि बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं थे बट हर बंदे को पता था उसका क्या रोल है और उसको बहुत ब्यूटिफुल कैप्टन किया एक बहुत यंग कैप्टन ने जिनका नाम आई थिंक इंडियन हिस्ट्री में तो लेजेंड्स क्या मतलब अल्ट्रा लेजेंड्स की फॉर्म में दर्ज हो चुका है कपिल देव और वो मैन ऑफ द सीरीज़ भी होते उस वर्ल्ड कप में उस टाइम पे मैन ऑफ द सीरीज़ का ट्रेंड नहीं था अदरवाइज पूरी सीरीज़ में आई थिंक उनके 300 प्लस रनस थे 12 विकेट्स थी फाइव विकेट हॉल वन सेवेंटी फाइव नॉट आउट मतलब हर कुछ किया था साठ के एवरेज में उन्होंने स्कोर किया था उस सीरीज में इस पूरे वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर रॉजर बिनी थे रॉजर बिनी थे और आई थिंक मदन लाल की भी एक ही विकेट कम थी रोजर बिनी ने अठारह विकेट लिए थे आठ मैचेस में और मदन लाल ने सत्रह विकेट लिए थे तो आप सोच सकते हैं उससे कि कितना इंडिया के बॉलर्स ने सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था स्पेशली मतलब एक फाइनल में जिसमें आप कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि नाइनटीन वर्ल्ड कप और 2023 वर्ल्ड कप में एक सिमिलैरिटी हुई है कि पिच बनाई गई थी जिस टीम को फेवर करने के लिए वो अगेंस्ट प्ले हुई है बिल्कुल सही बोलोगे आप बैक फायर कर गई 2023 में वो रिसीविंग एंड पे इंडिया थी और फिर इंडिया वर्ल्ड माइट भी तो बन गई है ना क्रिकेट में वही होता है जब आपके एक बार ज़्यादा पावर आ जाती है तो कुछ कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट, अगेंस्ट भी आ जाती है जब आप ज़्यादा सोचने लग जाते हैं अगर मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज में फ्लैट क्रिकेट मिलती और अपने प्योर स्किल पे वो खेलते तो इंडिया और वेस्टइंडीज मैच ही नहीं था में कहीं ना कहीं ये वही वाली बात है ना कि आ, जैसे यूएस ने मैच जीते जो वो इसीलिए जीत पाए क्योंकि आपने इतनी ट्रिकी दे दी कि कोई एक प्लेयर भी आके गेम हिला सकता हिला सक, था बिकॉज होता क्या है ना जब आप ट्रिकी विकेट्स देते हैं तो आप एक रिलेटिवली लोअर स्किल्ड बॉलिंग लाइनअप को भी पिक्चर में ले आते हैं फिर किसी एक दो ने गट इनिंग्स खेल दी तो आप मैच जीत सकते हैं एटलीस्ट इवन पे आ जाता है मैच क्योंकि स्किल्स का गैप कम रह जाता है थोड़ा लॉटरी वाला एलिमेंट भी आना शुरू हो जाता है तो इंडिया के exactly. केस में वो फेवर किया पर 83 से 87 की जो इंडियन टीम थी वो वन ऑफ द बेस्ट ओडिया जीते वो प्योर स्किल जीते वो तो हमारे आस आसपास भी नहीं थे इंग्लैंड ने एक बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी पहली बार किसी ने इंडियन स्पिनर्स को इतने प्यारे तरीके से स्पिन के अगेंस्ट स्वीप खेलते देखा था और वो बैकफायर कर गई थी फाइनल में इंग्लैंड के लिए बिकॉज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया गेंस भी वही चीज़ अप्लाई करी तो ऑस्ट्रेलियंस वर प्रिपेयर्ड फॉर देयर स्वीप्स इनफैक्ट माइक गेटिंग तो रिवर्स स्वीप पे कैच हुए थे mm. जो उनकी गेम बदल गया था पूरी तो अदरवाइज नो डाउट वो एटी की सीरीज़ ने तो बहुत कुछ श्रिगर किया उसके बाद लोगों को समझ आया कि क्रिकेट नाम की कोई गेम भी है लोगों ने फॉलो करना शुरू किया उसके बाद टेलीवाइज होना शुरू हुआ उसके दस साल लग गए इंडिया को इसे मतलब बी को समझने में कि क्रिकेट में पैसा भी है उसे बाद प्लेयर्स ने पैसा कमाना शुरू किया बी ने पैसा कमाना शुरू नहीं किया इनफैक्ट सबको पता होगा बहुत फेमस स्टोरी है कि जब वापस आए तो बी के पास प्लेयर्स को देने के लिए पैसे भी नहीं थे तो लता मंगेशकर जी से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप अपने कॉन्सर्ट रखें और उस कॉन्सर्ट के पैसों से फिर इनको फैसिलिटेट किया गया था इट वॉज दैट बैड एट दैट एरा तो उसके बाद जब नाइनटीन में जो मूवी में जैसे दिखाया गया था कि रिश्ते नहीं हो रहे हैं इस चक्कर में कि पता चल रहा है कि जो लड़का है वो क्रिकेट खेलता है इंडिया के लिए थिंग्स वेर रियरली दैट बैड यार उस टाइम कहाँ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स थोड़ी थे हम जो आज के डेट में एसोसिएट के हाल है हम वैसे ही से ही थे मतलब हम एज अ कंट्री एक्सेप्ट कहाँ हुए थे मतलब हम पाकिस्तान हमसे स्पोर्ट्स में बहुत आगे था इंफ्रास्ट्रक्चर में इकॉनमी में इट वॉज ऑलमोस्ट अ सूडो स्टेट ऑफ यू एस एट दैट टाइम और यू एस के लिए जियो पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी था रशिया चाइना हर पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा लग रहा था 83 वर्ल्ड कप कह सकते हो कि वो एक एरा था जहाँ पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हुआ जब वहाँ पे अल्ट्रा एक्सट्रीमिज्म आ गई और वो जियाउल हक साहब उनको किसी और डायरेक्शन में ले गए उनके उस टाइम के प्रेजिडेंट और गेम ही पूरी बदल दी और इंडिया वहाँ अपने ऑलमोस्ट लोवेस्ट को हिट करता हुआ उठना शुरू हुआ कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जो ये ऐसे ऐसे वर्ल्ड कप्स होते हैं जो ऐसे ऐसे विन्स होती हैं जो एक तरह से पूरी कंट्री को इकट्ठा कर देती देती है है कर कर देती है, है। कहीं ना कहीं आप मैक्रो लेवल पे आप बोल सकते हो कि इस वर्ल्ड कप का इंडिया पे इन टोटेलिटी इंपैक्ट पड़ा होगा यार आप मुझे ये बात बताओ एज अ कंट्री आपके पास अदरवाइज मोमेंट्स क्या हैं uh, अपने आप को एक कंट्री बोलने के नेशन बोलने के वॉर्स स्पोर्टिंग विक्ट्रीज यही चीज़ें होती हैं जो लोगों को साथ लेके आती हैं और वॉर अच्छी चीज़ तो नहीं होती आपकी इकोनॉमी को और डैमेज करके ही जा रही होती है तो स्पोर्ट्स डेफिनेटली इन टूडेज एरा इज इज़ द बिगेस्ट गलिंग पावर है तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ है अब देखिए ना कल जो चौबीस की टीम की जो परेड हुई है जिस तरह से लोग सड़कों पे थे बारिश के टाइम एनऑल नो बडी पैसे ना दिए उनको ये कोई पेड़ रैली थो ना या कोई पॉलिटिशियन की रैली थो ना बिल्कुल सही मतलब सड़कों पर कैसे लोग हैं मतलब और बड़ी डिसिप्लिन क्राउड जब एम्बुलेंस आई तो उनके लिए जगह छोड़ दी क्लियरली दिखता है कि मतलब दिल से लोग देखने आए वो बड़ी चीज़ें होती हैं यार उसके बाद मतलब तो सोचो हमें कितने साल लगे चौबीस साल तक तो हम आसपास भी नहीं लगे वर्ल्ड कप के तो उसके बाद क्लोजेस्ट क्या था एटी सेवन तो हमें कह रहा हूँ इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हारा उसके बाद नाइन्टी टू में तो हम एग्जिस्टेंट ही नहीं थे हम सेमीफाइनल पहुँच ही नहीं पाए हम टीम भी डिजर्व नहीं करते थे नाइन्टी सिक्स भी हम तेंदुलकर के सहारे पहुंचे थे जहाँ पहुँचे थे अद्भाई तो कुछ था ही नहीं नाइन्टी नाइन में हम बहुत थकी हुई टीम थे टू थाउजेंड थ्री नो डाउट वी वर गुड टीम बट वी न्यू कि ऑस्ट्रेलिया उस टाइम एक अलग एरा की टीम है और टू थाउजेंड सेवन ऐसा टाइम था सोचो कि इंडिया वॉज वन बोर्ड विच वस्ट टी ट्वेंटी इंडिया ने तो इनफैक्ट अपोज किया था वर्ल्ड कप exactly. भी और अपनी बिल्कुल ही आई थिंक सबसे जूनियर टीम भेजी थी उन्होंने और ऐसा नहीं है कि बाकी टीम भी वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी को ज्यादा समझते थे मतलब तो समझते थे ऑस्ट्रेलिया संभाव्य से हारी थी टी ट्वेंटी में इसी वर्ल्ड कप में

तो मतलब आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया को भी टी नहीं समझ आता था उस टाइम पर इतना तो अगर कोई टीम थी जो टी समझती थी अच्छे से तो वो पाकिस्तान और इंडिया इनफैक्ट आप उसे पाकिस्तान ही थी अगर आप 2007 और 2009 की पाकिस्तान टीम्स देखें जो सेवन फाइनल पहुँची और नाइन जो इवेंचुअली जीती वो ड्रीम टीम्स में से हैं मतलब उनमें हर तरह का फ्लेवर था उस एरा की टीम हेड ऑफ इट्स टाइम वाली टीम थी मैं वो देख रहा था अभी वर्ल्ड चैम्पियन सीरीज़ चल रही है उसमें वही वाले अगर सिंगल बनाया है, तो आ, अगली दस गेंदों में वो पच्चीस उन्होंने मैच फिनिश कर दिया बिल्कुल सही तो वो अलग रह रहा थावन में आप सोचो ना मतलब एम धोनी वॉज अनहर्ड ऑफ एज कैप्टन नो डाउट आप एक ट्राई करके जा रहे थे उसमें बहुत बड़े दिग्गज गांगुली नहीं खेले तेंदुलकर ऑल द लेजेंड सेट के हमें नहीं खेलना कुंबले नहीं कुंबले तो चलो वन डे क्रिकेट के भी उस टाइम मिक्स में नहीं थे और मेजोरिटी जहीर खान नहीं थे मतलब सारे ही वो मेजर प्लेयर्स ने तो जबकि खान यॉर्कर्स में भी अच्छे थे नहीं जही खान का 2007 सीरीज बहुत प्यारा कम हुआ था अगर आपको याद उससे पहले इंडिया जब इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत के आई थी तो उस टेस्ट सीरीज के जही काफ़ सीरीज़ थे, सीरीज थे। hmm. तो इसका ही मेड अ वेरी ब्रिलियंट कम बैक स्टिल उनका उनका ही मन नहीं था खेलने का नहीं आई थिंक एक आ, बोर्ड का भी इंक्लिनेशन नहीं था बोर्ड कहीं कही जस... ना कहीं वो वर्ल्ड कप की जो एग्जिट थी उसकी वजह से भी जो टीम सिलेक्शन हुई थी क्योंकि जैसे एम मूवी में दिखाते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर होती है

बेटर कनेक्ट विद द क्राउड बिकॉज ऑफ बीइंग बींग लोकल और ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेम्प्री ऑफ एमएस धोनी तो आप एक्सपेक्ट hmm. तो वही करोगे ना कि डीके आएंगे पिक्चर में पर तो नहीं आए नहीं आए अब सोचिए कितना कुछ आई थिंक uh, और सी के आज जो सी के वो इसी मूव के वजह से है

सीरीज ही करनी चाहिए एक मेरे को लग रहा है एक पॉडकास्ट में ये सारे चार वर्ल्ड कप जो जीते हैं हम उनके बारे में बात कर पाना बहुत मुश्किल है चार घंटे की मूवी बन जाएगी जाएगीवन खत्म कर सकते हैं आज बाकी फिर और मैं पता क्या कहता हूँ पार्ट वाइज पार्ट बना लेते हैं हम ठीक है लोगों के लिए भी आसान होगा और कहीं ना कहीं थंबनेल बनाना भी आसान है आसान है फिर तो 83 के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स है तो बात कर सकते हैं तो 83 में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था वो था वर्सेस कपिल देव कपिल देव क्रिकेट की तो बहुत बात हो गई थोड़ा सा मसाला भी दे दो तो बेचारे लोग कहते हैं कि स्टैट 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 बोल के चले जाते हैं सर थोड़ा बताओ सर यार वो अरा आप ये सोचो ये चीज़ें अगर हम कंटेम्प्रेज़ इनके देखें आ, तो ये दोनों कंटेम्प्रेरीज नहीं है गवस्कर सेवेंटी वन में आए थे और हाँ। अगर दोनों का एज गैप देखें तो ऑलमोस्ट दस ग्यारह साल का एज गैप है वो मूवी में भी दिखाया था जब क्वीन मिलने आती है टीम को तो वो कहती है गवास्कर को तो मैं आई नो आई हैव हर्ड योर नेम हाँ वो तो यार सेवनटी वन में उन्होंने उस टाइम पे इंडिया वेस्ट इंडीज़ में जीती थी इंडिया इंग्लैंड में जीती थी अजीत वाडेकर की कैप्टनशी में तो स्टार बैटर कौन थे गावस्कर ने अपनी ओपनिंग सीरीज में सात सात सौ प्लस स्कोर किया था वॉज अ लेजेंड बाय दैट टाइम यार एटी थ्री में वो एटी सेवन में तो रिटायर ही हो गए तो इसका मतलब सोचो अगर वो एटी थ्री वर्ल्ड कप के टाइम पे अगर टेस्ट रन भी उनके सात आठ हज़ार तो होंगे ना हाँ ठीक ना उस टाइम कौन सा हजार रन पर ईयर आ जाते थे तो सात आठ हजार रन टेस्ट क्रिकेट में उस एरा में कितने बैट्समैन के होते थे ये टॉप पे तो थे हाईएस्ट रन स्कोरर तो यही थे एक 87 पे तो? जब रिटायर हुए तो, यही थे। तो यही यही थे थे उसके बाद इनका रिकॉर्ड हमारे एलन बॉर्डर ने तोड़ा था और तब लगता था कि एलन बॉर्डर का रिकॉर्ड तब कहीं नहीं तोड़ेगा मतलब नाइनटी में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है तेंदुलकर को जब पहली बार सिडनी में बैट करते देखा था तो रॉडनी मार्श ने बोला था कि हे कैप्सी कैप्टन थे बिकॉज बॉर्डर आई थिंक दिस किड इज गोइंग टू ब्रेक योर रिकॉर्ड किस लड़के में वो दम है कि आपका ग्यारह हज़ार का रिकॉर्ड तोड़ देगा <laughs> और क्या तोड़ा और क्या तोड़ा मतलब अदरवाइज़ गावस्कर वॉज इन्विंसिबल बाई दैट टाइम एटी थ्री में बहुत बड़े प्लेयर थे तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि

पार्शल टू वर्ड टीम इतने गलत डिसीजन दे रहे थे उस टाइम पे तो एक बार तो पूरी टीम का वॉकआउट ही करवा दिया था ग आपको याद हो okay, तो कॉन्ट्रोवर्शियल yeah. कैप्टन तो थे कॉन्ट्रोवर्शियल उस हिसाब से थे कि ज्यादा किसी की सुनते ही नहीं थे hmm. आप कह सकते हैं ब्रिटी सिमिलर टू वर्ट गांगुली एज वेरी सिमिलर टू वट विराट कोहली एज उस टाइप के बंदे वो भी थे अपने एरा में hmm. तो उस टाइम पे आप सोचिए कि एक बाईस uh, तेईस साल के लड़के को कैप्टनसी मिल जाना इट इज़ सिमिलर टू वॉट वी सॉ बिटवीन तेंदुलकर एंड अजहर कि जब नाइन्टी सिक्स में तेंदुलकर को कैप्टनसी मिली वो तेईस साल के थे और अजहर उस टाइम तक बहुत बड़े लेजेंड थे।, थे तो वही सिमिलर सी कहानी गावस्कर और कपिल देव में थी और आप सोचिए उस टीम में सात आठ ऐसे प्लेयर्स थे जो उनसे बड़े थे एज में तो उन सबको लीड कर पाना तो ऑलमोस्ट 2007 इसलिए मैं कहता हूँ सेम था कि धोनी भी यंग थे जब लीड किया बट धोनी के केस में कोई बहुत बड़े पुराने प्लेयर्स नहीं थे और आई थिंक जो लेजेंड्स थे सहवाग और इवन युवराज वो गंभीर वो उन्हीं के एज के थे गंभीर तो उन्हीं के कंटेप्रेरी हैं और इवन युवराज भी आइडली 99 हाँ। का वर्ल्ड कप वो शायद साथ ही खेलते पर थे युवराज आज टीम में बहुत जल्दी गए थे हाँ, था। नहीं थे, थोड़े उनसे सेनियर थे सेनियर थे। सेनियर थे, because एक पहले के भी थे और जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली का गेम है वैसा था पर ऐसा नहीं था कि दस दस साल सीनियर आपके साथ खेल रहे हैं जो बेसिकली नहीं खेले नहीं खेले थे तो उस 83 टीम में ऐसा नहीं था तो ओब्सली गावस्कर के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि मतलब एक 22 तेईस साल के लड़के ने आके मुझे रिप्लेस कर दिया और uh, मतलब फॉर वॉट मतलब कि वनडे में तो वैसा भी कोई खास कर नहीं रहे हैं यहाँ भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है तो लाइक like, दिस तो ऑब्वियसली और वो इसलिए कहते हैं टसल्स भी थी बहुत कुछ था बिहाइंड द सीन्स क्या है वो तो ज़्यादा ओपन में नहीं आता और जब आप जीत जाते हैं तो, तो वैसे ही नहीं आता और जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारी इंग्लैंड जैसी पिचेज हैं और उस वक्त जो काउंटी क्रिकेट है वो खेला भी सबसे ज्यादा इन्होंने ही हुआ था आ, गवास्कर साहब ने काउंटी से ज्यादा मतलब काउंटी भी खेला हुआ था इंग्लैंड में खेल के रन भी बनाए हुए थे आ,

क्या हो बवाल मत जाएगा बवाल मच जाएगा आज के डेट में hmm. तो ये तो ऑब्वियसली यार ये एरा इंडिया ने बहुत मेहनत करके रिस्पेक्ट और ये एरा का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो सचिन तेंदुलकर को जाता है hmm. जो इंडियन क्रिकेट को वर्ल्ड मैप पे कोई लेके आया है वो सचिन तेंदुलकर लेके आया है जो स्पॉन्सरशिप पैसा जिन्होंने टेलीवाइज स्पोर्ट्स को घर घर कोने कोने तक पहुंचाया है और इंडियन व्यूअरशिप की वैल्यू वर्ल्ड को समझाई है कि सच अ बिग कंज्यूमर मार्केट जिनमें आप बहुत कुछ इन क्रिकेटर्स को आ, स्टेज बना के प्रेजेंट कर सकते हैं ये तेंदुलकर से पहले किसी को नहीं आता था किसी को भी नहीं नॉट इवन क्लोज तो ये पैसा तेंदुलकर लेके आए हैं क्रिकेट में इससे पहले नहीं था बहुत गिने चुनी चीज़ें थी आप सोचो यार नाइन्टी वन में तो बी सी सी लाख रुपये दूरदर्शन को देता था मैच टेलीकास्ट करने के लिए और आज क्या होता है आप सबको पता है मतलब नाइन्टी टू में जब साउथ अफ्रीका मतलब इंडिया को बुला रही थी अपने यहाँ खेलने के लिए तो उस आई थिंक इंडिया आ रही थी उन्होंने उस सीरीज के लिए पैसे दिए थे बीसीसीआई को कि हम आ रहे हैं इसलिए आपको हम पैसे ऑफर करते हैं तो बीसीसीआई को पहली बार लगा अच्छा कि क्रिकेट सीरीज के लिए पैसे भी मिलते हैं देन ओनली दे अंडरस्टूड दिस गेम नाइनटी टू नाइन की बात है ये तो फिर जब जब समझी है जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन है नो uh, डाउट no इसमें ललित मोदी का बहुत मेजर रोल है काफी ज्यादा 96 से आईपीएल की कोशिश कर रहे थे लेके आना चाहते थे पहले और जो एक तो, है कौन से हमारे शुक्ला शुक्ला जी वो तो, तो काफी से ही है, बहुत ज्यादा से है, neutral बंदे हैं रहे भी हैं तो क्यूट है, आ, <laughs> काफी है यार, मतलब, इसमें थिंक ललित मोदी का तो बहुत मेजर रोल है सो दैट अपॉर्चुनिटी टॉपिक्स नोट करने पड़ेंगे एक इसी में से निकला एक आईसीएल के ऊपर एक ललित मोदी के ऊपर आई है दोनों एक में हो जाएंगे हा हा, काफी है ना हाँ क्योंकि स्टोरी भी थोड़ी सी मिलती जुलती है अरे ललित मोदी का तो बहुत गेम है भाई ललित मोदी का जो मोदी परिवार है भाई वो टाटा बिरला के लेवल के फैमिलीज थी अगर पटियाला में मोदी कॉलेज पता होगा शायद बड़ा फेमस वो उनका ही है और मोदी सिटी है उनके नाम पर पूरा एक

मोदीनगर जो यूपी में है जो हाँ, दिल्ली हाँ, के बॉर्डर में वो मोदी नगर इन्हीं का ही है हाँ वो इनका बनाया हुआ है मोदी सिटी बोलते हैं उसे वही मोदी नगर, नगर नाम है यस वो तो, इनका क्रिएटेड है क्या बात बता रहे हो सर अरे तुम्हें ये पता नहीं नहीं पता नहीं पता ही नहीं 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 है चीज सर इनके चार भाइयों का डिस्प्यूट सेटल करने के लिए इंदिरा गांधी हैड टू इंटरवीन थे वो दैट मोदी कॉलेज है यार पटियाला थापर थापर जो ग्रुप था थापर मोदी बिरला टाटा इन्होंने तो कंट्री खड़ा किया है

कन्वर्सेशन तो मुझे काफी सारी बातें बताई okay. तो जयपुरिया जो जो बता नहीं सकते पेप्सी इंडिया जयपुरिया खरीद लिया ना। uh -huh. तो Bottling, uh, है ना तो दे प्लांट थे कुछ है उनका in, in short, अगर आपको 1983 Cup, अगर बताना हो हुँ. जो आप ये कह सकते हो जैसे इस बार की हमारी जो 11 प्लेयर 12 प्लेयर खेले हैं कहीं ना कहीं वैसा थ्री में भी दिखा था हमें हाँ, तो हाँ, वैसी थी मतलब इस बार आप देखें तो नो डाउट बुमरा इज समथिंग बट देव डेड मैन ऑफ सीरीज बट उसके अराउंड काफी सारे किरदार थे जिन्होंने अपने रोल प्ले किए वो बात रही है इवन टू में भी वैसा ही था कि एकदम बिल्कुल आउटलायर परफॉर्मेंस नहीं थी किसी की बट जैसे वर्ल्ड कप्स में कहीं ना कहीं जो सचिन तेंदुलकर परफॉर्म करते थे वो इतना एक्सेप्शनल होता था कि पूरी टीम उसके सामने हो जाती थी जैसे इवन 2019 में में रोहित रोहित शर्मा ने गर... शर्मा 2023 में जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही थे वो अलग लीग में बैटिंग करी उन लोगों इस ने। बार जो टी वर्ल्ड कप में हम जो जीते हैं उसमें वो नहीं था वो नहीं था इसमें पिक्स एंड मतलब आप ये देखो कि पिच डिफिकल्ट हो रही है तो वहां पे ऋषभ पंत चल रहे हैं इजी और पिच खेलने को तो ऋषभ पंत नही चल रहे हैं बाकी चल रहे हैं एंड सबसे अच्छी चीज तो यही थी देखने को कि पूरे वर्ल्ड कप में जो दो बैट्समैन जो लगे आउट ऑफ फॉर्म है या नहीं लग रहे थे सही है वो दोनों चले कोहली एंड शिवम दुबे शिवम दुबे और क्रिटिकल टाइम पे चले और क्रिटिकल टाइम पे चले और कहीं ना कहीं जो शिवम दुबे ने जो बाउंड्रीज वो हिट करी थी वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और वो क्रिटिकल फेज था भाई विराट कोहली फंस गए थे उस फेज में मतलब 11 से 17 ओवर तो उनसे बिल्कुल हिल ही नहीं रहे थे वो आई थिंक उन्होंने जितना मैंने देखा था 21 बॉल में कुछ 16 ऐसा कुछ स्कोर नहीं 16 बॉल में 11 रन स्कोर किए थे विराट ने उसमें इतना वो फंस गए थे वहाँ से वो प्रेशर रिलीव करा वो सब करा कितना ज़्यादा और सेम ऐसा सही एटी थ्री वर्ल्ड कप भी ये, रहा है। ये जो जब जो मेमोरेबल

Dominating cricket तो को लगता Australia ने भी नहीं कभी खेली 2003 2003 में में पहुंची थी बस फाइनल जीतना बाकी था। Otherwise बाकी था था तो हमने ही खींच दिया ने ऐसा नहीं किया था अच्छा। 2003 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा। हारती हारती बची थी पाकिस्तान के अगेंस्ट हारती हारती बची थी कोलैप्स हुए उनके भी और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो 120 सौ बीस समथिंग पे आठ उठ गए थे सेमीफाइनल तक में भी पिट गए थे एक बार तो 212 का तो टोटल तो था श्रीलंका के वो श्रीलंका डिड नॉट मैनेज दट वेल 2003 में भी।, मतलब उस भी टीम अच्छी थी उनकी टीम भी अच्छी थी उस एरा में तो मतलब मुझे याद है फाइनल में वो अटापटू को जो बोल्ड मारा था ब्रेटली ने और टू डाउट no उनका फ्लॉलेस था टू ऐसा वर्ल्ड कप था जहाँ उन्होंने बहुत क्लियरली 2007 इतना बड़ा लंबा वर्ल्ड कप नहीं था जैसा 2023 था इतने लंबे वर्ल्ड कप में हर टीम को हराना जो भी उस टीम उस वर्ल्ड कप में खेल रहा है और दो दो बार भी हराना न्यूजीलैंड जैसी टीम को बहुत बड़ा फीट था यार आपने कुछ भी नहीं बख्शा उसमें देखो ना ऑस्ट्रेलिया 2007 में पाकिस्तान से मैच नहीं हुआ इंडिया से मैच नहीं हुआ काफी ऐसे थे जो मैचेस उनके नहीं हुए तो वो अलग आई थिंक बात हो जाती है तो सर ये वाला पॉडकास्ट अभी हम खत्म करते हैं अपने से? लोगों को हम बता देते हैं कि भाई हमने सोचा था एक पॉडकास्ट में हम चारों वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे पर सर के पास इतना ज़्यादा कंटेंट है कि एक पॉडकास्ट में एक ही वर्ल्ड कप के बारे में बात हो सकती है मेरे को मेरे को इतनी इतनी अजीबो गरीब बातें बता दी हैं, मुझे हज़म नहीं हो रही मुझे भी टाइम चाहिए और मेरे को लग रहा है आपको भी वो टाइम चाहिए होगा नोट्स नोट्स बनाओ आप भी काम है क्या आपके और जाते जाते Uh, इस वर्ल्ड कप में जो खासियत हाईलाइट थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं है ना कि कपिल देव एक्सेप्शनल थे जस्ट लाइक बुमराह और आई वुड से साठ की एवरेज से उन्होंने रन बनाए और बारह विकेट्स ली और इकोनॉमिकल भी थे किसी और ठीक है फिर मोहेंद्र अमरनाथ वो तो मैन ऑफ द सॉरी मैन ऑफ द मैच रहे सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में यशपाल शर्मा एक ऐसे बैट्समैन है जिनके बारे में बात नहीं होती बट

तो वो बड़ी बात हो जाती है तो 240 रन मारे थे उन्होंने भी चौंतीस के एवरेज एक एसी सी विकेट्स पे और खास करके एक ऐसे से बैट्समैन जो शतक या बतक और में वो आते आतेरा था उस एरा में तो तीस तीस, तीस की तो एवरेजेज होती थी मतलब तीस वो एवरेज तो एक ओके बैट्समैन होता था कि ही कैन बी प्लेड इन इंटरनेशनल तीस पैंतीस के एवरेज तो नाइन्टीज तक में भी रही है फोर्टी तो आउटलायर होता है ना नाइन्टीज का फिर उसके बाद रॉजर बिन्नी 18 विकेट 18 विकेट्स विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर वर्ल्ड कप के आ, उनके ऊपर ये बात बड़ी होती थी कि उनको इंडियन नेशनल एंथम नहीं आता था ये <laughs> जोक होता था उनके ऊपर काफी ठीक है एंड देन मोदन लाल मोदन विकेट्स इन 8 मैचेस सो ये हमारे और स्टार्स हैं हम सोचो हमने बलविंदर संधू की बात नहीं की उन्होंने बड़ा अच्छा जबकि अपने जो वो हैं रवि भाई मतलब बहुत यंग क्रिकेटर थे वो तो बहुत यंग थे जब वर्ल्ड कप में गए थे और ये लोग शायद नहीं जानते कि बिफोर मतलब जब इवन श्रीकांत भी सीन में आ गए थे उससे पहले टेस्ट मैचेस में भी रवि शास्त्री ओपन करते थे मतलब 82 में एज फ्ल। अ फ्लोटर काम कर रहे थे उनके साथ हाँ, काफी 80, है ना 82 83 में इंडिया जो वेस्ट इंडीज में सीरीज खेलने गई थी उसमें रवि शास्त्री एज एन ओपनर टेस्ट मैचेस में भी थे ओके तो इवन जो 80 ट्वेंटी uh, नाइन्थ मार्च वाला जो मैच मैंने बताया था गायना में जीते थे उसमें भी रवि शास्त्री ने ओपन किया था गावस्कर के साथ तो श्रीकांत नहीं थे रवि शास्त्री का वर्ल्ड कप में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था ओकेश मतलब uh, ज्यादा नहीं था बिकॉज ऑब्वियसली उनके लिए वो फिर uh, जब आए तो वो फिर गा, गावस्कर की जगह आए वो फिर थोड़ा आई थिंक बहुत बड़े लेजेंड को रिप्लेस करने वाली बात हो जाती है बट डेफिनेटली पर उनके uh, ये था कि वो बॉलिंग ठीक करा लेते थे है ना पार्ट टाइम तो बड़े अच्छे स्पिनर थे और बड़े डिटी बैट्समैन थे और बड़ी फेमस स्टोरीज उनकी भी हैं मतलब जब उन्होंने छह छक्के मारे थे तो वो जब घर आए उसके बाद पार्टी करने चले गए तो जब सुबह घर आए तो उनकी अपनी मदर से उन्होंने पूछा कि आज तरह कैसी बैटिंग रही कहते हैं ऐसी ज्यादा नहीं कुछ और उनको न्यूज से पता चला था कि मेरे बेटे ने छः में से छः बॉल पर छः छक्के मारे हैं हैंगओवर में बताना हाँ, वो ऐसे <laughs> ही थे सीरियसली तो सुबह दूध वाला आ रहा है उस टाइम पे वापस आ रहे हैं घर वो छः सात बजे अच्छा हाँ सीरियस थी और मदर कह रही कैसा रहा तेरा मैच कुछ नहीं ज्यादा तो नहीं कुछ, कुछ और मदर गालियां निकाल रही है कहते कोई बात नहीं मुझे जाके सोने दो और फिर न्यूज में पता चलता है कि मेरे बेटे ने छह बॉल में छह चक्के मारे हैं और उन्होंने डोमेस्टिक में छह बॉल में, 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 में मारे, मारे थे तो वो इनिंग्स वो बात उन्होंने अपनी मदर को जाके बताई ही नहीं थी सीधा मतलब पार्टी वार्टी करके सुबह छह सात बजे घर पहुंच रहे हैं <laughs> वैसे आदमी थे वो <laughs> तो जैसे मूवी में दिखाया गया उनको रंगीन मिजाज आ, के थे, वो वो थे ये वैसे ही थे वो <laughs> <laughs> वो अभी तक भी उनकी बात होती है और जैसे जैसे श्रीकांत जो थे ओपनर उनका वर्ल्ड कप में कोई थी इम्पोर्टेंट इन फाइनल्स फाइनल्स क्या मतलब फाइनल्स तो उनका आई थिंक काफी टाइम तक वो फाइनल्स में वन ऑफ द लोवेस्ट हाइएस्ट स्कोर रहा था कि मतलब फाइनल मैच में हाईएस्ट स्कोर में वो लोवेस्ट पे है अर्षद अभी भी है ठीक है आई थिंक क्योंकि और जितने भी फाइनल्स हुए उसमें थर्टी एट से ऊपर तो हाईस्ट स्कोर गया ही होगा दोनों टीम्स ने थर्टी एट से ऊपर स्कोर नहीं किया था तो, तो बड़ी तो, बात है तो जब ऐसे ऐसे हिटर चलते हैं तो फिर और ऐसे ऐसे विकेट पर वो भी ग्रीन विकेट पर तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं मतलब जैसे आ, मेरे घर पर ये बात होती है कि कृष्ण श्रीकांत वॉज दैट काइंड ऑफ अ बैट्समैन जो छक्का मारने वाली बॉल पे आउट हो जाते हैं और आउट होने वाली बॉल पे छक्का मार देते हैं वो ऐसे से बैट्समैन थे ये एक्चुअल में ऐसा सा था वो सहवाग मोड बैट्समैन थे नर्वस बोन तो थी नहीं उनके सिस्टम में उनतीस okay. तीस की एवरेज थी वनडे में भी और टेस्ट में भी काफी हद तो तक सहवाग टाइप टाइप ही।, ही थे मतलब सहवाग तो चलो टेस्ट में और बड़े आउट लाए हैं बट वैसे ही गेम था वनडे में उनका भी पैंतीस के अराउंड ही है पैंतीस के अराउंड ही एवरेज है और ऑब्वियसली भी लगता वो तो फियरलेस क्रिकेट तो डेफिनेटली वो थे मतलब वो एक और उस वक्त पे ऐसा सा प्लेयर होना टीम में बहुत बड़ी बात बड़ी होती है बहुत बड़ी बात कि तुम्हारी तुम्हें पता है कि पीछे लड़ी लग सकती हाँ। है और ओपनर ऐसा सा भेज रहे हो जो चलती फिरती विकेट है चलती फिरती तो <laughs> <laughs> कहीं बार ऐसा फिर ओपनर पागल भी कर देते है ना ओपन कहीं ना कहीं एक बार अगर हमने फाइनल का वीडियो देखा है तो उसमें इंडिया की स्टार्ट तो अच्छी हो गई थी तो एक बार तो उनको एक बार हिला ही दिया था कि यार इस विकेट पर हो क्या रहे चौके छक्के पड़ रहे हैं तो कहीं बार ऐसा प्लेयर फिर कॉन्फिडेंस भी दे देता है ड्रेसिंग रूम को कुछ किया जा सकता है इस विकेट पर एग्जैक्टली exactly. कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है हाँ तो इसी पे ही ख़त्म करते हैं हमने जो अपने 1983 के जो हीरोज़ हैं और जो उसके पीछे स्टोरीज़ हैं कोई स्टोरी अगर रह गई है तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को लग रहा है रह गई होंगी अभी भी है ना बहुत एटी मूवी के अलावा वाली बताना जो किसी को अगर पता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है किसी ना किसी के घर में ये बातें हुई होंगी उस वक्त काफ़ी हद तक जो कहानियाँ थी वो वर्ड ऑफ माउथ के साथ ही चलती थी कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था जैसे मैंने 83 मूवी नहीं देखी थी मैंने मैचेस भी बहुत मैंने फाइनल मैच ही देखा टू बी वेरी ऑनेस्ट 83 का तो ये आ, जो दिलीप वको को जो बाउंसर वजी थी है ना ये सब कहानियाँ सुन रखी हुई थी उससे पहले तो ऐसी सी बहुत सारी कहानियाँ होंगी जो शायद आपने भी सुन रखी होंगी तो mm. क्योंकि हमारी बड़ी स्मार्ट ऑडियंस है क्रिकेट mm. को लेके एज अ स्पोर्ट एनालिटिकली बहुत ज़्यादा पैशनेट mm. है तो मेरे को लग रहा है उनके पास ये कहानियाँ होंगी mm. तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि यार कमेंट सेक्शन में जो ऐसी सी स्टोरीज हैं वो मैंशन करो हमें mm. भी पता चले सर तो हैरान करते ही करते हैं बट आप लोगों में भी बहुत सारे लोग हैं जो करते हो हैरान एंड मैं देखता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे जो इतनी लंबी लंबी डिस्कशंस चल रही होती हैं अरे क्या क्वालिटी ऑफ़ ऑडियंस है अरे हाँ मतलब अगर अगर किसी को आ, मतलब ढूंढना है कि इंडिया में टॉप क्रिकेट एनालिटिकल माइंड्स क्या हैं तो वो हमारे ये चैनल को देख लें जो इसके फॉलोअर्स हैं जो टेलीग्राम पे आके डिस्कशंस कर रहे हैं है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर किसी को अपनी आईपीएल टीम में के लिए एनालिटिक्स uh, में लोग हायर करने hmm. हो तो वो फर्स्ट एम्पायर पे आए अरे लोगों टेले? ने रीच आउट किया है अच्छा हाँ हाँ मुझे बैंगलोर और उनसे मेरी कॉल भी रखूंगा तो ही प्रॉपर कोर्स कर रखा है ओके okay. मतलब ही इज इन आई थिंक गेमिंग कंपनी ओनली इन बैंगलोर राइट नाउ एज अ डेवलपर एंड ही टाइम ओके तो आई वॉज लाइक हमें भी थोड़ा मिलेगा थोड़ा मिले और एंड ऑल तो फिर मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकालूंगा उसके लिए बट पीपल सो हमें स्मार्टेस्ट लोग ही चाहिए तो बढ़िया है जितने लोग हैं बढ़िया है एंड बाकी स्पॉन्सर आ जाए सर करते हैं देखो पसीना नहीं आ रहा इस इस पॉडकास्ट <laughs> में देना सबको पसीना नहीं आ रहा इसी ठीक करा दिया <laughs> चेक जूम मार के चेक करवाना एक बार कैमरामैन को मैं दरख्वास्त करूंगा जूम मारो एक बार बड़ा सा कि पूरे फेस मतलब विंडो में ना दीपक सर का चेहरा आना चाहिए कि एसी चल रहा है अब तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करते रहो अच्छा एंड मोर ओवर मैं बोलूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको फ्रूटफुल डिस्कशंस करनी है माँ बहन की गाली देनी है फिर तो बहुत सारे चैनल्स हैं और <laughs> कमेंट सेक्शन है देते रहो <laughs> टेलीग्राम पे मत देना या। यार वो थोड़ा ज़्यादा <laughs> तो इसी से हम ख़त्म करते हैं हम आज का पॉडकास्ट थैंक यू सो मच थैंक यू बैट को कह रहा था मैं थैंक यू सो मच टू सचिन तेंदुलकर साइंड बैट जो आए हमारे इस पॉडकास्ट में एंड साथ में दीपक सर को भी ऑबियसली uh, मजाक मस्ती है मैं आऊँगा तो करूँगा ही करूँगा अच्छा लगा मेरे को कोई लोग याद करते हैं कि हाँ यार। यार। लोग कल बात कर रहे थे कि प्लीज़ लेके आओ प्लीज़ लेके आओ मैंने ले कहा फिर तो अच्छा रिक्वेस्ट करते हैं उन्होंने बोला तो फिर आना तो पड़ना ही था तो आ गए हैं हम एंड ये सीरीज़ है ये सीरीज ज़रूर फॉलो करना ये हमारी चार वीडियोस की सीरीज़ होगी जिसमें हम हर वर्ल्ड कप को हम ऐसे ही एनालिटिकली तोड़ तोड़ के बताएंगे ऑब्वियसली दीपक सर ही बताएंगे हम तो सिर्फ हम तो सिर्फ माध्यम हैं आपकी जगह हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं

अभी तो पूरे पूरे मैच देख रहे हो दोबारा नहीं नहीं अभी इस अभी टाइम नहीं मिल पाया मन था बहुत ज्यादा मैंने इनफैक्ट टेलीग्राम ग्रुप लिख भी दिया कि आई वॉज वॉचिंग अक आप पर टाइम नहीं मिला बिकॉज वो थोड़ा हैकर हाउस एंड ऑल आ रहा है उसके लिए थोड़ी चीजें थी टीम्स ढूंढना करना और भी थोड़ी चीजें चल रही थी कुछ माइल स्टोन वो चीज़ें बट uh, मैं इनफैक्ट रूप पर डिस्कशन हुई कि यार डिस्लेक्सिया कितनी खतरनाक चीज़ होती है तो मैंने कहा यार ऐसी एक स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह मैं बहुत कर देता हूँ तो मैंने कहा यार मैं लाइफ में डिस्लेक्से रहा हूँ तो लोगों ने सोचा कि क्या मैं तो उसके बाद आए कैसे मैं कहा इसके एडवांटेज भी होते हैं मेमोरी भी आपको ब्लेस्ड मिलती है तो ये चीज़ है कि चीज़ें काफ़ी टिकी रह जाती हैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो ठीक है सर विदा लेते हैं आज के पॉडकास्ट से और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे यार प्लीज़ मेक श्योर लोगों ये सब्सक्राइब कर लो यार चैनल एंड क्योंकि देखते हो तुम तो सब्सक्राइब करते नहीं तो रिक्वेस्ट है यार कर लो और तो मैं क्या ही बोलूँ एडिटर को भी मैं बोल देता हूँ बीच बीच में पॉपअप डाल देना सब्सक्राइब करने वाला ताकि लोग सब्सक्राइब करने भूल जाते हैं वैसे नो डाउट मेरे को पता है आप लोग बहुत पसंद करते हो हमारा कंटेंट बट कहीं ना कहीं नंबर्स में हमें भी दिखाना पड़ता है यार समझो तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट सी यू फॉर द सेकेंड